बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जनपद मथुरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत औरंगाबाद के रहने वाले अमित पाल नामक युवक की अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई और शव को गोवर्धन थाना क्षेत्र के अंतर्गत झाड़ियों में फेंक दिया गया। युवक का शव गोवर्धन थाना क्षेत्र के बुधवार देर शाम बरामद हुआ। वहीं गुरुवार की सुबह गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने सदर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत औरंगाबाद में जाम लगा दिया और हंगामा काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए परिजनों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर वह मुश्किल शांत कराया। इसके बाद यातायात व्यवस्था सुचारू हो पाई है। जानकारी देते हुए एसपी सिटी मारतंडे प्रकाश सिंह ने बताया कि 27 तारीख को एक अमित पाल नामक युवक जो कि ई रिक्शा चलाता है, वे अपने घर से ई रिक्शा लेकर निकला था और वापस घर नहीं लौटा। इस संबंध में थाना सदर बाजार में गुमशुदगी दर्ज हुई थी। कल गोवर्धन थाना क्षेत्र में युवक का शव प्राप्त हुआ था। परिजन कुछ लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। उन लोगों को पुलिस हिरासत द्वारा पहले ही हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। परिजनों का कहना है कि इन्हीं लोगों ने युवक की हत्या की है। इन लोगों का कहना है कि आरोपियों के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इन लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया है। अब यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। समय ले लिया नहीं, नहीं वो माता जी सुन लो, मेरे सामने की बात है। आपने 12-14 घंटे का समय ले लिया। हमने दोबारा कहा चाचा से उसके बच्चे के और जो घर के थे कि तहरीर अभी दे दीजिए। उन्होंने कहा सुबह देंगे। पहले पूरी बात जान लीजिए आप। अच्छा, तो जब तहरीर का वेट कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि हमें जाम लगा, इतनी देर हो गई, वो इधर से आए। जब आपने रोड ही जाम कर दिया तो हम उड़ के तो आ नहीं जाएंगे ना। हम यहाँ 27 तारीख को एक अमित पाल नाम का युवक जो टेम्पो ई रिक्शा चलाता है, वो घर से भी रिक्शा लेकर निकला और फिर वापस नहीं आया। इस संबंध में थाना सदर बाजार में गुमशुदगी लिखी गई थी। कल उसकी डेड बॉडी अभी गोवर्धन थाना क्षेत्र में प्राप्त हुई थी। परिवारीजन कुछ लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, जिनको पुलिस पहले से पूछताछ के लिए अपने पास बुला रखी है। इन लोगों का कहना है कि इन्हीं लोगों ने ही मारा है और पुलिस त्वरित कार्रवाई करके जल्द से जल्दी इनको सजा दिलाए। पुलिस द्वारा आश्वासन दिए जाने पर इन लोगों ने जाम खोल दिया है और सड़क सुचारू रूप से चल रही है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। अमर हेल्थ केयर चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ फिजिशियन डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सूद, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीना सूद, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज जैन, मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा OPD सुविधा उपलब्ध है। हमारे लिए ICU, PICU, NICU, डीलक्स रूम, ECG, इको, OT, एक्स-रे, पैथोलॉजी, वेंटिलेटर आदि सुविधाएं उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी, एम्बुलेंस एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संपर्क करें अमर हेल्थ केयर, निकट राधापुरम क्रॉसिंग नेशनल हाईवे मथुरा। दूरभाष 7-0-6-0-9-9-8-0-5-9-8-3-0-7-0-7-0-0-7। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।